गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये चार चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता। ये बात भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बात। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन हमने पढ़ चुके हैं, ये अखबार हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हम पढ़ चुके हैं। पर एक शिव महापुराण को आप हजारों वर्षों से श्रवण करते करते आ रहे हो, भागवत जी को 5200 वर्ष से सुनते हुए आ रहे हो, रामचरितमानस को जीवन आप लोगों का निकल गया, सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते, ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने